हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज के वीडियो में बात करने वाले फ्रेम रेट के बारे में, जैसे कि हम फ्रेम रेट सेटिंग को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, इसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये ओप्पो का फ़ोन है और आपको सबसे पहले सेटिंग पर जाना है, तो क्लिक कर लेंगे फ्रेंड सेटिंग पर। सेटिंग पे जाने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं थोड़ा सा आपको ऊपर की साइड स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है सिस्टम सेटिंग, तो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं थोड़ा सा आपको ऊपर की साइड स्क्रॉल करना है और स्क्रीन रिकॉर्डिंग पर जाना है और आपको इस तरीके से आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं थोड़ा सा आपको ऊपर की साइड स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है फ्रेम रेट, तो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको देखने को मिलता है इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि 60 मेगापिक्सल है, 30 है और 24 है, 15 है, जितना आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 24 कर लेता हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता है तो एक और तरीका है, इसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सेटिंग पे जाना है। सेटिंग पे जाने के बाद आपको क्या करना है, सर्च वाले ऑप्शन पे जाना, या फिर सेटिंग पे जाएंगे, सर्च वाले ऑप्शन पे जाएंगे और आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है। क्या सर्च करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रेम रेट, तो यहाँ पर शो हो जाएगा। थोड़ा सा वेट करना होगा आपको और जैसे ही शो हो जाएगा तो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आएंगे और जितना आप इसे यूज़ करना चाहते हैं उतना यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं पर 60 कर देता हूँ, मेरे मैप पर 60 हो जाएगा। इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।